हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशाज किचन। आज हम आपके साथ मूली के पराठों की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और ये विंटर स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने मूली के पराठों को बनाने के लिए पहले हम आटा लगा लेंगे। तो इसके लिए हमने 2 कप के करीब आटा ले लिया है और उसमें हम 1 चाय की चम्मच बराबर तेल डाल देंगे। आपको जितना पराठा बनाना हो आप उस हिसाब से आटा ले लीजिएगा। और हमने 1/2 चम्मच से थोड़ा कम इसमें नमक डाल दिया है। फिर इसको हाथों से अच्छे से आटे में मसल लेंगे। और अगर आप बहुत ही क्रिस्पी पराठा चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, 3 हिस्सा जो है आप आटे का रख लीजिएगा और 1 पार्ट जो है वो आप थोड़ा सा मैदा इसमें मिला लीजिएगा, तो आपका पराठा बहुत क्रिस्प बनेगा। तो अब हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमें मुलायम सा गूंद लेना है। जो पराठों का या पूरी का आटा होता है ये थोड़ा मुलायम गूंदते हैं, क्योंकि इसमें जब स्टफिंग डाल के फैलाते हैं तो वो फटती नहीं है। अब हमने मूली को, एक बड़ी साइज़ की मूली को हमें कद्दूकश कर लेना है मीडियम साइज से। और अगर आप कद्दूकश या ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो आप मिक्सर में एक बार पल्स में इसको घुमा दीजिए, उस तरह भी आप इसको बना सकते हैं। और हमने एक बड़ी साइज़ की मूली लिया था। अब हम इसको एक कपड़े में रख करके इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि मूली के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो देखिए, हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और देखिए कितना पानी मूली का इसमें निकल रहा है। तो बिल्कुल इस तरह से हमने मूली का पानी निकाल लेना है। अब ये मूली को हम अच्छे से फैला देते हैं। तो आजकल बहुत ही फ्रेश मूली आ रही है और आप इस तरह इसका पराठा ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने एक पैन रख दिया है और इसमें हम 2 चाय के चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने 3 से 4 हरी मिर्च को और 5 से 6 लहसुन को दरदरा सा कर लिया है। इसको हम डाल करके हल्का सा सॉटे करेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसमें मूली मिला देते हैं जो हमने रखा था। अब मूली को हमें अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे आंच जो हमारी रहेगी वो मीडियम रहेगी। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं। तो हमने 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और हमने 1/4 चम्मच के करीब भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है। 1/2 चम्मच के करीब हमने नमक डाला है और हमने 1/4 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर डाला है। आपके पास अगर भुना हुआ जीरा नहीं है तो आप यहाँ पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि ये थोड़ी हमारी मूली भी सॉफ्ट हो जाए। और अब देखिए, बहुत अच्छे से हमारी मूली जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें एकदम फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये हमारी मूली के पराठों की स्टफिंग तैयार हो गई है। तो इस स्टफिंग को हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। अब हम इजी तरीके से पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 2 चपाती इतना बड़ा पेड़ा ले लिया है और हम इसकी पतली सी 2 चपाती बेल लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है पराठा बनाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पराठे जो है फटने लगते हैं बेलने में। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से हम 2 रोटी में बेल लेंगे। मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके से पराठा बनाना सिखाऊंगी। तो अब ये रोटी बेल जाएगी तो हम इसमें अच्छे से जितनी हमें स्टफिंग डालना है बराबर से फैला लेंगे और दूसरी रोटी डाल करके इसको किनारे से इसके एजेस को दबा देंगे। अब हमने तवा गर्म करके रखा है, उस पर हम ये पराठे को डाल देंगे और जब ये एक साइड से हल्का सा सिक जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे। पराठा सेकने के लिए आप देसी घी या कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ऑयल और घी नहीं यूज़ करना है तो आप ऐसे भी इसको सेक करके धीमी आंच पे खा सकते हैं। तो हमने एक तरफ से थोड़ी सी देसी घी डाल दिया था, फिर हमने इसको पलट दिया है। तो इस तरह उलट पलट करके हम इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा दबा करके अपने पराठों को चारों तरफ से तल लेंगे और ये हमारा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस पराठा बनकर तैयार हो गया है। देखिए, इतना क्रिस्पी और कितना अच्छा ये पराठा बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही कम घी में। तो अब हम दूसरे तरीके से भी पराठा बनाकर आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमें एक पेड़ा ले लेना है। तो चपाती के पेड़े से थोड़ा बड़ा हमने पेड़ा लिया है। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं। हमने चने की दाल के पराठों की भी रेसिपी अपलोड किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। वो भी पराठा बहुत अच्छा बनता है। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच के करीब स्टफिंग डाल देते हैं और फिर इसको अच्छे से हमें इसको किनारे से लाते हुए बंद कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से बंद कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसको दबा लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं।
तो देखिए हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फट रहा है क्योंकि हमने जो मूली के पानी को निकाल लिया था। अब हम इसको तवे पे डाल देते हैं। तवा हमने पहले से गर्म करके रखा था, तो अब ये एक साइड का जब हल्का सा हो जाएगा फिर हम इसको पलट लेंगे। आज हमारी यहाँ मीडियम टू हाई रहेगी। अब हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल दिया है। हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है क्योंकि हमको बिल्कुल क्रिस्पी सा इसको फ्राई करना है। अगर आपको कम ऑयल पसंद करते हैं तो आप कम ऑयल में इसे फ्राई करिएगा। अब हम इसको किनारे से दबा दबा करके इस तरह से बिल्कुल तल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा पराठा है वो बिल्कुल फूल गया है और बहुत ही क्रिस्पी सा बन रहा है और अंदर से बहुत मुलायम है। इस तरह आप दबा दबा कर बिल्कुल तल लीजिए और बहुत ही डिलीशियस आपका ये पराठा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूली के पराठों की रेसिपी कैसी लगी। और आप कोई और वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि मैं और कौन सी रेसिपी डालूं। तो अब इस पराठों को आप हरी चटनी के साथ या अचार के साथ बटर डालकर इंजॉय करिए। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना खस्तगी वाला हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। दोनों ही तरीकों के पराठे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस बने हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आयशाज किचन।